नाइट फॉल का इलाज करने के लिए काफी सारे लोग मेरे पास में आते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, तो उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई और अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। दो तरह के लोग मेरे पास में आते हैं, एक तो यौवन अवस्था में उन्होंने प्रवेश किया हुआ है, मतलब 15 से लेकर 28 साल तक जिनकी शादी हुई नहीं है, या फिर प्रौढ़ नागरिक जिनकी मतलब उम्र 50-55 साल के ऊपर है, अभी सेक्स होता नहीं ज्यादा, या पत्नी नहीं है पास में, या कोई कारण से अभी सेक्स नहीं हो रहा है कोई भी कारण से, तो वो लोग आते रहते हैं कि उनको नाइटफॉल हो रहा है। अभी देखो, नाइटफॉल मतलब नॉक्टर्नल एमिशंस, सपने में धातु जाना, उसको स्वप्न दोष भी बोलते हैं। एक्चुअली उसका नाम ही गलत है, यह कोई दोष नहीं है। इतना ही है कि सपने आपको रात के सोने में सोते हुए आपको सपने आते हैं, वो सपने जो है वो सेक्सुअल थॉट्स की वजह से सेक्स के सपने आते हैं जो आपको याद भी नहीं रहते हैं, और फिर उसमें वो जो सेक्सुअल थॉट्स है, सेक्सुअल इमेजेस है, उसकी वजह से सीमेन का मतलब धातु का लीक होता है और वो आपके कपड़े गीले करता है। अब देखिए, नॉर्मल है क्योंकि धातु का निर्माण जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है, वो 24 घंटे होता है। अब वो 24 घंटे जब हो रहा है और धातु बाहर पड़ने के लिए तीन तरीके हैं। एक है कि आप सेक्स कर रहे हो, जब सेक्स करते हैं स्त्री के साथ में तो मतलब योनि में निकल जाता है वो। नंबर दो, आप हस्तमैथुन करते हो तो आपके जो सेमिनल वेसिकल्स से, जो थैलियां हैं जहां वीर्य का जमा होता है, वीर्य जमा रहता है तो वो खाली हो जाएंगी हस्तमैथुन में, तो सेक्स करते हैं तभी वीर्य की थैलियां खाली हो जाएंगी, हस्तमैथुन करती है तभी वीर्य की थैलियां खाली हो जाएगी। अब आप दोनों भी नहीं कर रहे, अभी वीर्य तो तैयार हो रहा है, उसका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग निर्माण चालू है, अब जब उसको आउटलेट ही नहीं है, मतलब आप बाहर निकाल नहीं रहे एक्टिवली, तो उसने करना क्या है, उसने ओवरफ्लो होना है। तो वीर्य का ओवरफ्लो होता है, थोड़ा ही स्टिम्युलेशन यदि रात को उसको सपने में दिखा मिला तो ओवरफ्लो हो जाता है, तो उसमें गलत क्या है। मगर सपने में वीर्य जाना, वीर्य गंवाना बहुत नुकसानदेह होता है। एक बूंद वीर्य का यदि आप गंवाते हैं तो 80 बूंद खून के बराबरी का वो है। ऐसे गलत फहमियां हमारे युवकों के दिमाग में डाली हुई है और उसके वजह से फिर तकलीफ होती है लोगों को। फिर लोग बोलते, नहीं नहीं हमको बहुत कमजोरी आ गई, देखो मेरे गाल बैठ गए, देखो मेरे को भूख नहीं आ रही, देखो मेरा वजन कम हो रहा है, मैं बहुत मेरा एनर्जी खलास कर रहा हूँ। और जो प्रौढ़ नागरिक है जिनकी पत्नी उनके पास में नहीं है या अभी सेक्स नहीं कर रहे हो कोई कारण से, तो उनका भी वीर्य जाता है सपने में और बोलते, देखो अभी मेरी कमजोरी है, ये उम्र में भी वीर्य जाना अच्छा है क्या, ये उम्र में वीर्य जा रहा है, अभी मैं क्या करूँ, ये तो रोको। तो फिर एक तो बच्चे लोग आते हैं, लड़के लोग शादी के पहले या फिर शादी के बाद में जब 50-55 साल होते हैं, जब पत्नी के साथ में सेक्स होता नहीं तब, या फिर एक तीसरा क्लास है जिनका पत्नी रहने के बावजूद भी सेक्स नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे प्रेगनेंसी है या बच्चा हो गया है, अभी दूर दूर सोते हैं तो अभी सेक्स नहीं हो रहा है, तो फिर नाइटफॉल होना ही है। तो नाइटफॉल जो है, वीर्य का पतन सपने में जो है, वो ओवरफ्लो है और आपको समझो करना ही नहीं हो, नाइटफॉल होना ही नहीं है, नाइटफॉल होना ही नहीं चाहिए ऐसा आपको लगता है। मैं बोलता ठीक है हस्तमैथुन करो, प्रॉब्लम क्या है, हस्तमैथुन करेंगे तभी वीर्य जाएगा, सेक्स करते हैं तभी वीर्य बाहर जाएगा, दोनों नहीं है तो फिर नाइटफॉल में जाएगा, उसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। मगर आपको वो अवॉइड करना नहीं, वो नॉर्मल है। इतना है कि उसमें गिल्टी नहीं लगना चाहिए, अपराध बोध की भावना नहीं आना चाहिए। और यदि आपको नहीं करना है, नाइटफॉल नहीं होना है, मैं बोलता देखो आपने हस्तमैथुन किया तभी धातु जा रहा है, हस्तमैथुन नहीं किया तभी धातु जा रहा है। अब आप हस्तमैथुन करते हो मजा तो आ रही है, अच्छा तो लग रहा है, हस्तमैथुन करो ना, हस्तमैथुन करेंगे तो मजा भी आ जाएंगे, अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे, नाइटफॉल नहीं होगा। तो नाइटफॉल का इलाज है रेगुलर सेक्स करना या हस्तमैथुन करना, ये करेंगे तो, अदरवाइज नाइटफॉल अपने को बंद करना नहीं है और नाइटफॉल बंद करने का कोई तरीका भी नहीं है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, गलत हमारा जो मकसद है वो गलत फहमियाँ लोगों की निकालना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे तो लोगों की जो परेशानी है, मतलब लोग बिल्कुल इतना नर्वस डिप्रेस होके आते हैं कभी कभी 55-60 साल के लोग कि हमारा वीर्य पतन हो रहा है अभी क्या करें, या बाप अपने बेटे को लेके आता है, बेटा बाप को परेशान कर रहा है, बोलते इलाज करो इसका और ये बंद होना चाहिए, और फिर बाप भी बोलता है कि नहीं नहीं इसका अभी से धातु जा रहा है, अभी से सपने में वीर्य जा रहा है तो इसका आगे कैसा होगा, वो तो खत्म हो जाएगा। मैंने भाई अभी ये तो ऐसी टंकी थोड़ी है कि उसमें जमा है
और पूरी जिंदगी में आपका 1 लीटर 2 लीटर जमा है अंदर, और वो आपको थोड़ा 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 उसका इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं है। आप थूक कितनी भी थूकें तभी थूक तैयार हो जाती है, वैसे ही इसका है धातु का, कि कितना भी धातु बाहर निकल गया धातु फिर से तैयार हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ये लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, इसलिए लोगों को शेयर करो। आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।